कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों के सभी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई जैसे शिक्षण संस्थाओं 31 मार्च तक छुट्टियां घोषित कर दी है। हालांकि सरकार के निर्णय परिपत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों को अब तक कोरोना से बचाव मुक्त दिए गए छुट्टियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव कर रही है और यह स्पष्ट है कि प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र 31 मार्च तक कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को छुट्टियों के विषय पर शासन आदेश द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख नहीं है। क्या यह सुनिश्चित है कि कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित नहीं होगा? यह सवाल छात्र नेता आकाश गजबे ने किया। इसी तरह आकाश गजबे ने यह भी मांग की है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र के साथ कोरोना संक्रमण के एहतियात कदम के रूप में परीक्षार्थियों को मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त प्रदान किया जाना चाहिए। इस विषय में नागपुर जिला के जिला शिक्षण अधिकारी चिंतामणि वंजारी से पूछने पर बताया गया कि ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्कूलों को 31 मार्च तक छुट्टियों के विषय पर अब तक कोई आदेश नहीं मिला है। इस विषय में नागपुर के कमिश्नर डॉक्टर संजीव कुमार से पूछने पर बताया गया, अभी शहरी क्षेत्र तथा नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में ही यह आदेश लागू किया गया है। आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण अंचल में भी यह आदेश का पालन किया जाएगा।